रही है। ओके तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई SSBSC का जो डीमोडुलेशन है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंक्रोनस डिटेक्टर। ठीक, और सिंक्रोनस डिटेक्टर चाहे SSBSC में यूज हो रहा हो, DSBSC में यूज हो रहा हो, या तुम्हारा SSBSC में यूज हो, किसी भी मॉड्यूलेशन में, जब डीमोडुलेशन के लिए अगर हम सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो सिमिलर रहेगा। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, फर्स्ट इनपुट पे वो सिग्नल जिसका डीमोडुलेशन करना है, ठीक, और सेकेंड इनपुट पे वो सिग्नल जिसका जो तुम्हारा कैरियर सिग्नल है। ठीक है, तो इसका जो भी आउटपुट आएगा, इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का जो भी आउटपुट आएगा, ठीक, वो आउटपुट हमें लो पास फिल्टर से पास करते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी डीमॉड्यूलेशन की बात होगी तो डीमॉड्यूलेशन किसी का भी हो, फिल्टर जो यूज कर रहे होंगे हम लो पास फिल्टर ही यूज कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी डीमॉड्यूलेशन में जो फिल्टर यूज हो रहे होंगे 99% लो पास फिल्टर ही यूज हो रहे हैं। रीजन कि लास्ट में हमें जो आउटपुट चाहिए होता है उसमें हम हाईएस्ट हायर फ्रीक्वेंसीज को हटा के केवल मैसेज फ्रीक्वेंसीज को ही पास कराना चाहते हैं, ठीक, और मैसेज हमारा इन जनरल लो पास सिग्नल ही होता है। तो जिसका आउटपुट आएगा वो मैसेज सिग्नल होगा या उसका एम्पलीट्यूड में कुछ चेंजेस होगा, मीनिंग उसके एम्पलीट्यूड में कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा, लाइक AC² / 4 या AC² / 2, इस तरह से मल्टीप्लाइड होगा, उसको हम एक एम्पलीफायर से पास करा के हम सही कर लेंगे, है ना। तो अब देखते हैं कि जब अगर बात करें कि हमारा जो करियर सिग्नल है और जो हमारा यहाँ पे SSBSC सिग्नल है, ये परफेक्टली सिंक्रोनाइज, ठीक, जो परफेक्टली सिंक्रोनाइज है उस केस में जो मल्टीप्लायर का आउटपुट आएगा क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे SSBSC सिग्नल क्या लोगे, AC/2 cos 2πfct minus plus AC/2 mcap t sin 2πfc, ठीक है ना। तो इसको हम क्या जो मल्टीप्लायर आउटपुट जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा AC/2 mt cos 2πfct इंटू AC cos, इसको ओमेगा सी को हम अगेन यहाँ पे 2πfc लिख सकते हैं, 2πfct माइनस प्लस AC/2 एम कैप टी साइन 2πfct इंटू cos 2πfc। अब देखो ये क्या हो गया, cos मल्टीप्लाई बाय cos यानी cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 plus cos 2 थीटा के फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा AC² / 4 mt 1 plus cos 4πfct/2 माइनस प्लस sin a into cos है, ये क्या होता है sin 2 है, ये क्या हो जाएगा AC² रहेगा, ठीक, AC² / 4 mcap t sin 4πfct। तो ओपन कर दो जस्ट अ सेकंड, ये यहाँ पे 2 कर दो क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी 2 रखा है, इधर भी 4 कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। cos 2 थीटा के जब फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या होगा 1 plus cos 2 थीटा by 2
टू, हमने इधर भी फोर ये गलत हो गया, इधर इसको क्या लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर बाई फोर एम टी प्लस ए सी स्क्वायर बाई टू कॉस फोर पाई एफ सी टी माइनस प्लस ए सी स्क्वायर बाई फोर एम कैप टी साइन फोर पाई एफ सी, ठीक है ना। अब हमें इसमें से देखना है तो अब हमें देखना है कौन कौन से सिग्नल हमारे लो पास फिल्टर से पास करेंगे। देखो ये वाला जो पार्ट है केवल ये पार्ट ही है जो लो पास फिल्टर से पास करेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ही ऐसी होगी जो जीरो से एफएम के बीच में लाई करेगी। यहाँ जो हम लो पास फिल्टर हम यूज कर रहे हैं वो जीरो से एफएम वाला ही यूज कर रहे हैं, ठीक, जीरो से एफएम तक ही फ्रीक्वेंसी को पास कर सके ऐसा लो पास फिल्टर हमने यूज किया है, ठीक है। तो इस सिग्नल को पास नहीं करेगा cos 4 पाई एफ सी टी वाले सिग्नल को, ठीक, क्योंकि हमें पता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा 2fc, और 2fc fm से बहुत ज्यादा है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2fc है इसकी फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल की, और 2fc वैसे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है, ठीक। तो जो पास करेगा केवल ये होगा, LPF आउटपुट क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बाय फोर एम टी, अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि भाई हमें अगर परफेक्टली सिंक्रोनाइज है तब तो कोई दिक्कत नहीं, सिंक्रोनाइज डिटेक्टर बहुत अच्छा है, आराम से एकदम मैसेज सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करके हमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल रिसीवर पे प्रोवाइड करें। बट एक्चुअलिटी ये है कि भाई जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको कराने के लिए एक तो हमें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट इस इनपुट और इस इनपुट के बीच में एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लगाना पड़ता है, ठीक। वो सर्किट बेसिकली इन दोनों को सिंक्रोनाइज करता है, मीनिंग सेम फ्रीक्वेंसी पे लेके आता है, सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज पे। बट सेम फ्रीक्वेंसी फेज पे तो तुम तब लेके आओगे ना जब इस तुम्हें पता हो किसी एक पर्टिकुलर की फ्रीक्वेंसी, ठीक। और अगर हम कंपैरिजन कर करके देन हम एक कोशिश करें एक पॉजिटिव फीडबैक लगा के हम कंपैरिजन करें दोनों का, दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस हो फिर एक की फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, इस तरह से करें, तो वो सर्किट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। तो वो भी हम नहीं चाहते। और हमें ये भी पता है कि भाई ये जो SSB/SC है जब ये ट्रांसमिट हुआ होगा उस ट्रांसमिशन के टाइम पे काफी सारी एरर्स आई होंगी, ठीक, और उन एरर्स की वजह से इनका कुछ ना कुछ फेस में भी चेंज आया होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम करियर सिग्नल हमारा परफेक्टली नॉट सिंक्रोनाइज है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मल्टीप्लायर का आउटपुट पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या है। अब एसी कॉस ओमेगा सीटी की जगह पे हम क्या रखेंगे, एसी कॉस ओमेगा सीटी प्लस फाइव। देखो यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल जो हमारा SSB है वो क्या है, एसी बाय टू कॉस टू पाई एफ सी टी इंटू एम टी माइनस प्लस AC by 2 M cap T sin 2 pi FC, ठीक है। अब मल्टीप्लायर का आउटपुट अगर देखोगे तो यहाँ पे CT कितना है, AC cos 2 pi FC T प्लस pi, मल्टीप्लायर आउटपुट देखते हैं भाई तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी ए सी बाय टू कॉस
जस्ट अ सेकंड, मल्टीप्लाई का आउटपुट क्या आएगा, एसी बाय टू एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी इंटू एसी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस पाई माइनस प्लस एसी बाय टू एम कैप टी साइन टू पाई एफ सी टी इंटू एसी कॉस टू पाई एफ सी टी प्लस फाइव। अब यहां पे हमें कॉस ए इंटू कॉस बी को कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में ब्रेक करना है, क्या जाएगा एसी बाई फोर एम टी कॉस, जब ए प्लस बी करोगे तो क्या आएगा फोर पाई एफ सी टी प्लस फाइव, जब ए माइनस बी करोगे तो टू पाई एफ सी टी और टू पाई एफ सी टी कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा प्लस कॉस फाइव, ठीक माइनस प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ऑल्सो ए सी स्क्वायर बाय फोर एम कैप टी। अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये साइन ए प्लस बी करोगे जब क्या आएगा साइन फोर पाई एफ सी टी प्लस पाई प्लस साइन पाई, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर दें एक बार मल्टीप्लायर आउटपुट की ताकि हम मल्टीप्लायर आउटपुट क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बाय फोर एम टी कॉस फोर पाई एफ सी टी प्लस फाइव प्लस ए सी स्क्वायर बाय फोर एम टी कॉस फाइव प्लस ए सी स्क्वायर बाय फोर एम टी साइन सॉरी एम कैप टी साइन फोर पाई एफ सी टी प्लस फाइव प्लस ए सी स्क्वायर एम कैप टी by 4 sine। Now, अब जब इस मल्टीप्लायर आउटपुट को तुम पास करोगे लो पास फिल्टर से, और वो लो पास फिल्टर जो केवल 0 से लेके FM तक की ही फ्रीक्वेंसी पास करता है, ठीक। तो उससे पहले हम देख लें कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो ये जो सिग्नल है ठीक है एम टी इंटू कॉस फोर पाई एफ सी टी, तो इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी एफ सी माइनस एफ एम, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी एफ सी प्लस एफ एम। भाई इस रेंज में तो नहीं आ रहा तो ये सिग्नल नहीं ट्रांसमिट होगा। हमें पता है एफ सी माइनस एफ एम की वैल्यू और एफ सी प्लस एफ एम की वैल्यू, दोनों की वैल्यू एफ एम से बहुत ज्यादा है। अब आते हैं यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो से एफ एम के बीच में ये पास हो जाएगी, इसको देखा तो इसकी भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम है, तो ये भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड ओरिजिनल मैसेज से एकदम सिमिलर रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वजह से, केवल और केवल फेस में चेंज होता है, ठीक। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जीरो से
एफएम तक, ये ट्रांसमिट हो गया और ये ट्रांसमिट हो गया, एलपीएफ का आउटपुट क्या है? एसी स्क्वायर बाय 4 एमपी कॉस 5 प्लस एसी स्क्वायर बाय 4 एम कैप टी साइन अब इसको ध्यान से देखो तो, और साथ में ये बताओ, जब हम लोगों ने DSBSC मॉड्यूलेशन किया था तब हम लोगों ने कुछ एरर कुछ इफेक्ट देखा था लास्ट में, कौन सा इफेक्ट था वो? क्वाड्रेचर नल इफेक्ट क्या कहता था कि अगर जो फेस है वो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो तुम्हारे सिंक्रोनस डिटेक्टर का आउटपुट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ये है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। अब यहाँ पे देखो तो जो LPF का आउटपुट आया, अगर हम यहाँ पे phi is equal to 90 रखते हैं तो LPF का आउटपुट क्या आएगा? ये पार्ट जीरो हो जाएगा बट इस पार्ट की वैल्यू कुछ रहेगी, दैट मींस AC स्क्वायर बाय 4 m कैप t, हमें केवल और केवल जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ में से सिग्नल है वो हमें रिसीव हो जाएगी। तो ये क्लियर है कि SSBSC में आउटपुट जीरो नहीं हो रहा है, phi इज इक्वल टू 90 डिग्री रख लेगा, दैट मींस तुम्हारा जो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट है वो SSBSC में एग्जिस्ट नहीं करता। DSBSC और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तुम्हारा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक, यहाँ SSBSC में एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ वन मोर थिंग, ये तो बात हो गई कि भाई क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। दूसरी चीज ये कि देखो जब यहाँ पे फाई जो तुम्हारा फेज डिफरेंस है वो अदर देन 90 होगा, जब ये जो फाई है ये अदर देन 90 जब होगा तो जस्ट अ सेकंड, तो हम क्या बोलते थे कि इन केस अगर फाई की वैल्यू अदर देन 90 है तो उस केस में ध्यान से देखो तो ये वैल्यू भी कुछ, ये वाला पार्ट भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और ये पार्ट भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, है ना। तो अब देखो मैसेज सिग्नल भी आ रहा है, उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म भी आ रहा है, तो ये फाइंड आउट करना कि कौन सा मैसेज सिग्नल है कौन सा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है, ये काफी टिपिकल टास्क है, ठीक। तो यहाँ पे ये तो हो गया मैसेज सिग्नल, ये तो तुम्हारा मैसेज सिग्नल हो गया, तो phi not equal to 90 उस केस में तो मैसेज सिग्नल हो गया, और ये यहाँ पे नॉइस की तरह काम करेगा, ये यहाँ पे नॉइस की तरह काम करेगा।
सिंक्रोनस डिटेक्टर में यहाँ पे किसी को कोई डाउट? किसी को कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो. An unmodulated transmitter current and unmodulated AM transmitter current is given by 5 ampere. Find AM transmitter current with 50% of modulation. With 50% of modulation. Try करो इसको. Let's find out what. ठीक है. रोल नंबर 80 है रायमा. सॉल्व वो क्वेश्चन. अप्रोच क्या है, कैसे कर रहे हो, क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये बताओ. अनमॉड्यूलेटेड एम वेव दिया है 5 एम्पीयर. एम फाइनल और 50% मॉड्यूलेशन दिया है. फाइंड क्या करना है? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर खुद से नहीं समझोगे, लैंग्वेज नहीं समझोगे, क्वेश्चन काफी इजी है ये. ठीक है, इसमें केवल एक फॉर्मूले पे तुम्हें केवल वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें दिए रहते हैं. ठीक है, थोड़ी सी आगे थ्योरी लगा दी जाएगी, उसके साथ ये क्वेश्चन को दे दी जाएंगे. एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, और क्योंकि तुम्हें इसका लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या गिवन है, कैसे अटेम्प्ट करना है, तुम बिना मतलब ये मार्क्स तुम्हारे चले जाएंगे. ठीक है,
देखो इन जनरल यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन अनमॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर करंट, ठीक है। अब इस चीज को क्लियरली समझो कि देखो जब भी ट्रांसमिशन हो रहा है, जब भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक, और वहां पे एंटीना यूज किया जा रहा है, यानी वायरलेस जब कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस केस में एंटीना में कोई ना, देखो अगर मैसेज सिग्नल बोला जा रहा है, हम बोल रहे हैं कि मैसेज सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट मीन्स कोई ना कोई वोल्टेज सिग्नल या कोई करंट सिग्नल है जो कि भेजा जा रहा है। एक मैसेज सिग्नल का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जो तुम्हारी मशीन जिस पे काम करती, तो हमारे तुम्हारे लिए मैसेज सिग्नल का मतलब है कुछ बोला गया है, कोई इमेज है या कोई वीडियो है, लेकिन जो मशीन जिस लैंग्वेज पे काम करती वो तो अपने किसी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिग्नल पे ही तो काम करेगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे जो सिग्नल का मतलब है यानी कोई वोल्टेज है या कोई करंट है, ठीक। और अगर हम मोर स्पेसिफिकली कहें तो जब वायरलेस ट्रांसमिशन होता है तो हमारा एंटीना क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके भेज देता है, ठीक। तो इनिशियली जब हमने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया तो पहले हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होगा जो उस एंटीना में ट्रांसमिट कर रहा होगा, ठीक। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है मीनिंग वोल्टेज भी वहां पे दिखाई दे रहा होगा उस एंटीना में, तुम्हें करंट फ्लो होती दिखाई दे रही होगी। तो वही ये बोल रहा है कि जब अनमॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर है, जब ट्रांसमीटर से जो भेजे जाने वाला सिग्नल है उसका जब तक मॉड्यूलेशन नहीं होगा, उस टाइम पे जो ट्रांसमीटर की करंट है, अनमॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर की करंट जो है वो 5 एम्पीयर है। यानी ये क्या किया है कि जब केवल कैरियर सिग्नल भेजा जाएगा, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल जब भेजा जा रहा होगा उस टाइम पे करंट कितनी है, 5 एम्पीयर। और पूछ क्या रहा है कि अगर 50% का मॉड्यूलेशन किया जाए, 50% ऑफ मॉड्यूलेशन हो रहा हो तो उस टाइम पे एएम ट्रांसमीटर करंट क्या होगा, तो उस टाइम पे तुम्हें करंट फाइंड आउट करनी है जो उस ट्रांसमीटर एंटीना में फ्लो हो रही है। मीनिंग अब जब कैरियर सिग्नल का जब मॉड्यूलेशन हो गया तो जो मॉड्यूलेटेड वेव ट्रांसमिट होगी उसी की तो करंट फाइंड आउट करोगे, यानी टोटल करंट फाइंड आउट करोगे, और वो क्या होती है, आईसी अंडर रूट 1 प्लस μ² / 2। इसके इतना सा फॉर्मूला याद रखना था, ठीक। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले ये बातें समझनी थी कि क्या क्या गिवन है। अब म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 50/100, हमें पता है परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू म्यू इनटू 100 होता है, दैट इज 0.5। तो ये क्या हो गया, IC कितनी है, 5 √1 + 0.5² / 2, कितना आ रहा है, 5.3 एम्पीयर। स्टिल अगर इस क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई भी डाउट तो वो अपना डाउट क्लियर कर, कुछ भी जो नहीं समझ में आया। अच्छा सभी लोग एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लेंगे।